सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव माना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और एक और नए ब्लॉग में, और सबको भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। भाई का भी सेम रूटीन है, मेरा भी सेम रूटीन है। पतंगे उड़ाएंगे हम शाम को या दोपहर को, और भाई जब जा रहे हैं अभी पावर लिफ्टिंग है कॉम्पिटिशन के लिए। भाई को सारे ऑल द बेस्ट बोलो कमेंट्स में। ओके, बोलो भाई, सारे दुआ करो भाई के लिए कि भाई जीत जाए पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन। मैं तेरे को एक टिप देता हूँ, तू जीत जाएगा। 15 अगस्त वैसे ही आज, सोचियो सारे अंग्रेज है, ट्रॉफी लूटने आए हैं तेरी। मारू सालों को बस मारना नहीं है, ये समझना अंग्रेज है सारे, तेरी ट्रॉफी लूटने आए हैं, तूने वेट उठाना है और जीत लेना है। पता लग जाना चाहिए एक अंग्रेज को कि कोई बंदा आया था, कहाँ पे हाथ दे के चला गया पता भी नहीं चला। ओके की रिपोर्ट, ठीक है। मैं गांधी, मैं ना रहूं। हाँ बिल्कुल, गांधी चश्मा तूने पहन रखा है गांधी वाला। थोड़ा गोल कर ले चश्मा, थोड़ा रेजर मार ले बालों पे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आज मैं गांधी, मैं मेडल आएगा बिल्कुल। ऐसे जाती माँ बोलती हो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंदे बोले पागल हो गया, 15 अगस्त वाले दिन ये आके ऐसी तैसी करेगा वेट मार मार के। तो गाइस चलो ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं खींचते, भाई निकल रहे अपने पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन के लिए, हम अपने पार्क जा रहे हैं। पार्क आके देखते हैं कि क्या सीन है। वैसे तो कुछ सीन नहीं है भाई, दक्ष के घर आ जाइयो कितने बजे, ठीक है? कंपटीशन के बाद मेडल लेके सीधा वहीं आ जाइयो, लास्ट में 5-6 बज जाएंगे कंपटीशन के। तुम उधर 5-6 बज जाएंगे गाइस, ये कह रहा है। चल जब भी होगा एज सून एज पॉसिबल आ जाइयो गाइस, दक्ष के घर का सीन है। बाकी देखते हैं आज क्या होगा। पार्क से आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि नींद पूरी करनी है, फिर पूरे दिन उठे रहना है क्योंकि जिम वगैरह छुट्टी छुट्टी आज जिम की। तो चलो गाइस लंबा इंट्रो नहीं खींचते, आपसे मिलते हैं सीधा पार्क में। गाइस पार्क से घर आ गए हैं और अभी ओट मील खा रहे हैं, और मुकुंद भाई को इतने अच्छे से मोटिवेट करके भेजा था पर बेचारा लेट हो गया। तो जाते ही कह रहा है भाई वार्म अप करने का टाइम भी नहीं मिला, स्ट्रेचिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। तो उसने जो पहली लिफ्ट उठाई 70 किलो की वो फेल हो गई, फिर कह रहा है दूसरी लिफ्ट उठाई 80 किलो की वो सही उठ गई, तीसरी लिफ्ट उसने लिखवाई थी 90 किलो की और वो 90 किलो वाली भी फेल होगी। तो मतलब तीन में से उसकी एक 80 किलो वाली पास होगी, बाकी अब पता नहीं, कह रहा है थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी उसके वेट कैटेगरी में किसने कितना वेट मारा है उसको नहीं पता, क्योंकि वो लेट हो गया था। पहले जाता तो उसको पता चल जाता कि उसका क्या कॉम्पिटिशन था क्या कॉम्पिटिशन नहीं था। और पहली लिफ्ट उसकी इसलिए फेल होगी क्योंकि वो कमांड्स देते हैं, उनके कमांड्स के हिसाब से उठानी होती है, रैप मारना होता है और फिर वापस रखनी होती है उन्हीं के हिसाब से। तो उसने वो सुनी नहीं, उसने अपना उठाया मार दिया, उसकी वो फेल कर दी। तो अब देखते हैं, अभी जैसे ही अपडेट आएगा फोन आएगा आपको बताते हैं। मैंने तो भाई इतना बढ़िया मोटिवेट करे, इसे थप्पड़ी थप्पड़ बजेंगे अब। तो वैसे दीपक भाई के साथ निकल चुके हैं 15 अगस्त की रैली के लिए। कहाँ जा रहे हैं अभी हम भाई? जनकपुरी। जनकपुरी जा रहे हैं, जनकपुरी से द्वारका एक MLA है भाई, उनके पास जा रहे हैं। MLA भाई है, रैली निकल रही है। ओके, सिस्टम है भाई, सिस्टम। हमारे भाई एडवोकेट है, कोई केस वेस की दिक्कत हो तो बता देना। 76 का केस नहीं लड़ता, बाकी सारे लड़ लेते हैं। 76 के ज्यादा लड़ता हूँ मैं, 76 के ज्यादा लड़ता है, बंदे जात वाले डिफॉल्टर है सारे। चलो गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है, फिर चलते हैं मुंबई एल्विश को लेने। डोवाल के साथ है। 1001 में हमारी भी गाड़ी है। 1001 में हमारी भी है। ओके की रिपोर्ट, ये देख लो, एक यहाँ लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, पता नहीं एक ये लगा हुआ है, झंडा भी लगा हुआ है आगे, और आगे आईपीसी की बुक भी रखी हुई है। रास्ते में पढ़ना पड़ जाए एकदम, कोई पूछ ले कोई पुलिस वाला कोई चीज, तो यही से सीधा ट्रैक बता दो। सिस्टम है भाई, सिस्टम है कैसा सिस्टम है ये? रोड पे ही चालू भाई, खत्म मान जा, मान जा खत्म। पार्टी का मान गया, लग चेक करा पब्लिक को पहले एक बारी, पार्टी का मान जाएगी तिरंगा। भाई आपको बोला था ना भाई फर्स्ट पोजीशन, दोनों भाई की फर्स्ट पोजीशन आ गई है। ओके की रिपोर्ट, मेडल। अब एक थंबनेल के लिए फोटो खींच दियो। ट्रॉफी तो घर ही आएगी, बोला था तेरे को, बढ़िया दिया सामान। बाकी चीटिंग होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग होती रहती है, करना एक्सपोज जल्दी बता। ऑल ओवर मिलते मिलते छीन लेते फिर भी भाई फर्स्ट पोजीशन लिखी हुई है, और क्या चाहिए।
ये तो आ गया ना फर्स्ट पोजीशन वाला, तो और क्या चाहिए, चीटिंग हो या ना हो। बाकी ये मुकुंद ने तो सदर से खरीदा है, इसकी औकात थोड़ी है जीतने की। भाई भी जीत गया, पार्टी आज पार्टी। आ गए घर, आ गए तुम्हारे भाई तो, आ गए घर के बाहर आ गए मिल गया आज तो। हाँ जिम खोलूंगा यही लगा दूंगा मेडल। बढ़िया भाई बढ़िया, ओके गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई ने मारी है 60 kg में 80 kg की रॉ बेंच प्रेस, ओके की रिपोर्ट, अनएक्यूपाइड। गाइस फिर से सेम आउटफिट में निकल चुके हैं दक्ष की छत पे जाने के लिए, घर आके कपड़े चेंज कर लिए थे, सोचा था थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बट रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट करने बैठ गए थे, फिर मुकुंद भाई मिलने आ गए थे, फिर उसके बाद अब फिर से कपड़े वगैरह चेंज करके दक्ष की छत पे जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 घंटे बचे हैं फिर अंधेरा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं अपना क्या सीन है वहाँ पे, ओके की रिपोर्ट। स्कूटी पे जा रहे हैं पर डर भी लग रहा है यार थोड़ा, स्कूटी वगैरह ना देख के चलानी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि मांझे वांझे अटक रहे होते हैं। अभी जब हम रैली पे भी गए थे ना, एकदम से हमारी गाड़ी सामने स्कूटी वाले में ठुक गई, क्योंकि उसने एकदम से ब्रेक मार दी, उसके गले पे यहाँ पे मांझा अटक गया, उसने मांझा हटाया, यहाँ उसके पूरी लाइन बन गई थी मांझे से, तो भाई सेफ नहीं है। मैं अभी बिल्कुल 10-15 की स्पीड पे स्कूटी चलाऊंगा, आराम से जाऊंगा, पहले मंदिर चलते हैं फिर दक्ष की छत पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ये कैसा कंपटीशन है की छत पे तू मेरी भी गिराएगा दक्ष, तू घर कटाव हो रहा है। ये आपस में वो देख ऐसी तैसी कर दी ना बिल्कुल, अब बताओ भाई कितनी कौन सी पतंग है, पतंग है वहाँ पे भाई आ जाओ फटाफट कंपटीशन, उड़ानी नहीं आती इधर आ जाओ फिर हमारे साथ, मुझे भी नहीं आती देखो डैगी है कहा पतंग, ये तो बता पतंग कौन सी है हमारी, बोरी देख जिसपे 2000 का नोट लगा ना, हाँ वो वाली है, लूटना सबसे पहले तू ही जाएगा फिर नोएडा तक ले जाऊं, ले जा ले जा लाओ खिचके मारी ले ले का क्या है अबे गई गई नीचे हो खींच, अब कोई पतंग नहीं हटाएगा तो अब फिर रुक, अबे यार एक तो ये कैसा सा नेट है ये, दीवा से हटो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सारे फटाफट से, लव माना लाइक कमेंट शेयर जल्दी वहां से हटो हटो दक्ष पतंग उड़ाते हुए येलो कलर की फुल डेडिकेशन के साथ, और इस पतंग उड़ाते हुए डेडिकेशन के साथ ये रेड वाले की काट काट भाई 30 बार लगातार कौन सा कंपटीशन लग रहा है ये, कैसा सा कंपटीशन है, काट 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 अभी तक हमारी कट शायद कट जाए बोलने से, प्रेशर प्रेशर वो हवा से ही आ रही है कौन सा गाना गाऊं बता, गाना नहीं है बता, गाना गा कोई चल चल बताओ कौन सा गाना गाऊं, वो गाऊं ममता आ जाते एक बात बताओ पहले 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, बस मनाते हैं गवर्नमेंट का कानून है, क्यों बनाते हैं, क्या हुआ था 15 अगस्त वाले दिन, कुछ नहीं मुझे ये नहीं बातें पता, क्यों तो क्या बताओ, बताओ कुछ तो हल्का सा तो बताओ, अरे मनाते हैं वही के वो तो बंदों को
15 अगस्त वाले दिन अंग्रेजों को भगाया था। अच्छा, किसने भगाया था पता है? मुल्लों ने। कैसी हिस्ट्री है ये आपकी? अरे मुझे है? ये नहीं याद ना। कैसी हिस्ट्री है ये? मुझे क्या पता क्या चीज। ये अंग्रेजों ने सारा काम खराब। लक्ष्मण भगवान के लिए जड़ी बूटी कौन लाया था? काल दी शेर दारी शाल। हाँ तो बताओ। लक्ष्मण लेवाते जड़ी बूटी कौन ले आया है? मैं पहले बकाल हूँ ना। वो लाया था अंगद, लाया था अंगद। अंगद नहीं लाया था। कौन लाया था? राम भगवान लाए थे? नहीं, राम भगवान नहीं लाए थे। कौन लाया था फिर? और कोई लाया था। कौन? सुपनखा। सुपनखा की दो आ गई। तो कौन लाया था? मुझे अब याद नहीं है ना, क्या करूँ, भूल गई हूँ सब हिस्ट्री। हिस्ट्री भूल गए हो? हाँ, याद दिलानी पड़ेगी अब हिस्ट्री। हैं, 15 अगस्त क्यों बनाते हैं? अरे 15 अगस्त चंगे ऊँची होया ना। बोलो, हमने अंग्रेजों को भगाया था मार मार के। अच्छा बोलो। अंग्रेजों को हमने मार। गाइस, ये तो पता होगा सबको कि ये क्या होता है और ये अभी क्यों हम यूज़ करने वाले हैं या कर रहे हैं, अभी वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अभी आप मेरी शक्ल देख के समझ रहे होगे कि मैं अभी सो के उठाऊँ तो हाँ, मैं लेट हो गया था। मैं सो गया था मतलब घर आते ही, क्योंकि सुबह का उठा हुआ था। और मैं कहाँ के लिए लेट हो गया था और ये क्यों चलाने वाले हैं अभी पता लग जाएगा आपको। बस थोड़ी देर में ब्लॉग में जुड़े रहिए, कहीं मेरे मुँह पर फट जाए। और गाइस, आप ये भी सोच रहे हो कि मैं सुबह से कितने आउटफिट चेंज कर चुका हूँ। अभी तो मैं पजामे टी शर्ट में सो रहा था, मम्मी ने उठाया, मम्मी ने बोला वीडियो वगैरह बनानी होगी तूने, थोड़ी टी शर्ट वगैरह डाल ले, शक्ल अच्छी कर ले। तो बंदे सोचे कि इतनी रात को उठ के कहाँ जा रहा है स्पेशल वीडियो बना दे। गाइस, बर्थडे पार्टी चल रही है। गाइस, भाभी का बर्थडे, कमेंट में सारे विश करो हैप्पी बर्थडे और फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा मेरे को फॉलो करो या आपको? नहीं, ये समझ नहीं आया। ताकि मेरे को फिर गिफ्ट लेके दे। भाभी को विश करो, फटाफट से मिले, प्रे करो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए कि फिर मैं हर व्लॉग में गिफ्ट दूं। फोन ले दी, इतना तो मोनेटाइज होना ही नहीं कि फोन आ जाए। होगा, सब होगा। सो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। आप सबसे मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में। आप फटाफट से लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है एक बार चेक करो, वीडियो देखते देखते बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि जैसे व्लॉग्स डालेंगे, शॉर्ट वीडियोस वगैरह डालेंगे, आप सबको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और अभी तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा 75 जो हार्ड चैलेंज है, कोशिश क्या वो पूरा करना ही है। बाकी देखते हैं कि आगे अपना क्या रहता है, उस 75 के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते। बाकी हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए 10 दिन में, तो आप भी ये वाला चैलेंज स्टार्ट करो। चैलेंज नहीं मतलब, आप सुबह वॉक जाना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो 50+ हैं या 40-45+ हैं एज में, वो सारे पार्क वगैरह जाना स्टार्ट करो, क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी ये बोलते हैं। मैं तो अपनी मम्मी को भी बहुत बारी बोल चुका हूँ कि स्टार्ट करो करो करो। मैं अपनी मम्मी को भी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करवाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर ही कहते हैं कि मतलब पार्क जाने से, वॉक वगैरह करने से, जॉगिंग वगैरह करने से बहुत सारी तकलीफ वगैरह दूर होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई सब हेल्दी रहें, सब बढ़िया रहें। मैं तो मोटिवेट करते हैं कि फुल कोशिश करता ही रहता हूँ, रील्स पे भी, शॉर्ट्स पे भी, अपने व्लॉग्स में भी, कि जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ, अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। बंदा एक्सरसाइज वगैरह करता है और उसके बाद थोड़ा जंक फूड वगैरह भी खा लेता है ना, तो इतनी चीज़ें वो हार्म नहीं करती, कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाती हैं। बट आप बिल्कुल ही कोई एक्सरसाइज ना करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करो और जंक फूड वगैरह खाते रहो, तो फिर तो देखो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो बस अब क्या ही बताएं, बस फटाफट से ब्लॉग ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा अपना एंडिंग नहीं खींचते। तो आप सबको जो बोला था उस चीज़ का ध्यान रखें, लाइक कमेंट शेयर का और सब्सक्राइब का। तो आप सबसे मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखें, सबको गुड नाइट, सबको भाई लव यू दिल से इतना प्यार देने के लिए, ओके की रिपोर्ट। और हमारे भाई 1100 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं फटाफट से, फिर 2000 सब्सक्राइबर होंगे, फिर 5000, फिर 10000, ओके की रिपोर्ट। बाकी हम फंस रखे हैं मोनेटाइजेशन की दिक्कत में, तो किसी का कोई नोन हो जो गूगल में हो या गूगल एडसेंस में हो, या किसी का कोई नोन हो जो यूट्यूबर हो,
तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें या हमें बताएं, हम उसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो एक बार ही प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं तो समझ लो गाइस। तो जो थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन वगैरह हो रही है ना वो भी नहीं होगी, बिल्कुल मोटिवेट रहेंगे हम। वैसे तो अभी भी रहते हैं आप सबकी वजह से, आप सबके लाइक कमेंट शेयर की वजह से, प्यार की वजह से। बाकी आप समझ ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप सबसे मिलते हैं सीधा बाद में। मेहनत की रातें रहेंगी अभी जारी, जो लोग देते साथ उन सबका मैं आभारी।